الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, ईमान की बुनियाद और असास अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आला दर्जे की गाय दर्जे की मोहब्बत है। मोहब्बत आखिरी दर्जे का ताल्लुक़ होता है किसी से, जो आदमी से वो सब कुछ करवाती है मोहब्बत, जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आदमी को औलाद से मोहब्बत होती है तो आदमी अपने औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान करता है। माँ बाप से मोहब्बत होती है तो माँ बाप के लिए सब कुछ कुर्बान करता है। जिससे मोहब्बत नहीं होती, आदमी उसके लिए कोई कुर्बानी नहीं दे सकता। कुर्बानी जो होती है वो महबूब की मोहब्बत में होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मशहूर हदीस है बुखारी शरीफ की, कला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैह मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमाइन, कि तुम में से कोई भी शख्स कमाल ईमान को नहीं पहुँच सकता, कामिलुल ईमान नहीं बन सकता जब तक के उसके नज़दीक या उसके दिल में मेरी मोहब्बत उसके औलाद से, उसके माँ बाप से और दुनिया जहाँ दुनिया वालों की मोहब्बत से, तमाम दुनिया वालों की मोहब्बत से ज़्यादा ना हो जाए। मोहब्बत सबसे होती है, मना नहीं है औलाद से मोहब्बत करना, माँ बाप से मोहब्बत करना, अपने असातिज़ा से मोहब्बत करना, अपने मशाइख से मोहब्बत करना, ये सब मना नहीं है।
लेकिन गालिब मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से मतलूब है कि अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पर गालिब हो, ये मतलूब है। चुनांचे कुरान करीम में एक आयत है सूरह तौबा में, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين। अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम से कहलवाया, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे उसूल जिसमें दादा नाना दादी नानी ये सब आते हैं, व अबनाउकुम तुम्हारी औलाद तुम्हारे फुरू तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियाँ तुम्हारे पोते तुम्हारी पोतियाँ तुम्हारे नवासे नवासियाँ नीचे तक के मसला है, वह इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारा ख़ानदान कबीला, ये पांच चीज़ें हैं। और फिर तुम्हारे माल तुम्हारे मकान तुम्हारी तिजारतें, ये आठ चीज़ों का तस्करा करके फरमाया कि इन आठ चीज़ों की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिलों में ज़्यादा है, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में रसूलुल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में और दीन और दीन की मेहनत के मुकाबले में, तो फरमाया कि फतरब्बसु ऐ फंतज़िरु, इंतज़ार करो। किसका इंतज़ार है? हत्ता यअति अल्लाह बि अम्री, हत्ता यअति अल्लाह बि अज़ाबी, यहाँ तक कि अल्लाह का अजाब आ जाएगा। तो यहाँ अहब्बियत मतलूब है, मोहब्बत बिल्कुल ना हो ये नहीं है। मोहब्बत होगी औलाद से माँ बाप से भाई बहनों से ख़ानदान कबीले से माल से मकान से तिजारतों से माल के हासिल होने के ज़रायों से मोहब्बत ना हो ऐसा नहीं है, मोहब्बत होती है। लेकिन ये सारी मोहब्बतें नीचे हो, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दीन और दीन की मेहनत की मोहब्बत गालिब होना चाहिए। अगर ये तीन मोहब्बतें नीचे हो गई वो आठ की मोहब्बत ऊपर हो गई, फरमाया आदमी ख़तरे में है। फतरब्बसु, इंतज़ार करो, अल्लाह की तरफ से धमकी है वईद है। हत्ता याति अल्लाहु बिअज़ाबी, यहाँ तक कि अल्लाह का अजाब आए। हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री, हत्ता याति अल्लाहु बिअज़ाबी, वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फासिकीन। फासिक कहते हैं हुदूद से निकलने वाले, अम्र इलाही को छोड़ने वाले, तरीक़े नबवी को छोड़ने वाले फासिक हैं। फरमाया ऐसे फासिकों के काम हम बनने नहीं देंगे। आदमी कहता ये करेंगे वो कर लेंगे ये बना लेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, हालात बिगड़ते जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ने फैसला कर लिया कि हालात नहीं बनाना है, हालात बनेंगे जब अल्लाह चाहेगा। इसलिए कि हाल अल्लाह ही के हाथ में है। उलमा ने यह बात कही है कि जैसे मौत और हयात अल्लाह ही के कब्ज़े में है, कोई पैदा नहीं होता अल्लाह के चाहे बग़ैर, कोई मरता नहीं अल्लाह के चाहे बग़ैर, मौत और हयात का मालिक अल्लाह है, तो मौत और हयात के दरमियान में जितने हालात हैं वो भी अल्लाह ही के हाथ में है। यानी कि मौत अल्लाह के हाथ में, हयात अल्लाह के हाथ में है, और दरमियान के जो हालात हैं वो हमारे हाथ में हैं, हम जो चाहे कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हालात भी अल्लाह ही के हाथ में हैं। अल्लाह राज़ी होंगे तो हालात बनाएंगे, और अगर अल्लाह नाराज़ हैं तो हालात जितने चाहे बनाने की कोशिश कर लो
اپنی طاقت سے، قوت سے، اپنی حکومت سے، اپنے مال و دولت سے، اپنے تعلقات سے حالات بنے گے نہیں، بگڑتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ فیصلہ اوپر ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے دین سے محبت، یہ حالات بناتے ہیں۔ صحابہ کے جو حالات بنے تھے اسی وجہ سے بنے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی زندگی کو بطور نمونے کے پیش کیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اوپر منافقین کا تذکرہ ہے، یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ وہ لوگ ایسا ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے، یعنی صحابہ، فقد اهتدوا، تب ہدایت پر ہے۔ تو گویا کہ صحابہ معیار، مقیاس ہیں، اسوہ اور نمونہ و قدوہ ہیں سارے عالم کے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایمان میں۔ کہیں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہاں بھی منافقین کا اوپر تذکرہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ وَمَا هُمْ، فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں منافقین جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اس کے رسول، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اگر ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے الناس ایمان، الناس مراد صحابہ ہیں، جیسے صحابہ کی جماعت ایمان لائے، ایسا ایمان لاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ منافقین صحابہ کو بیوقوف سمجھتے تھے، اس لیے کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہر چیز قربان کرنے کا، اپنی مصلحت قربان، اپنے جذبات قربان، خواہشات قربان، اپنی بیوی بچوں کو قربان، اس لیے کہ محبت آدمی کو اطاعت پر لاتی ہے۔ یعنی کہ صاحب محبت کا دم بھرو لیکن اطاعت نہیں ہے، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اللہ اس کے رسول، اللہ کے رسول کی ماننی ہے۔ محبت آدمی کو اطاعت کرنا سکھا دیتی ہے، آدمی مطیع بن جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے اطاعت کے نمونے پیش کیے، محبت کے نمونے پیش کیے۔ ہماری اکابر اور سلاف کی کتابوں میں ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، انہیں کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں ساری تاریخ کو جمع کیا ہے، صحابہ کے واقعات کو جمع کیا ہے، پڑھنے کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ بھی اس کا ہے، اصل عربی میں کتاب ہے البدایہ والنہایہ، شروع سے آخر تک ساری چیزوں کو جمع کیا ہے، اس میں واقعات لکھے صحابہ کے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کیسی محبت تھی اور محبت کی وجہ سے اطاعت کا کیسے انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب اسلام لانے کے بعد ایک دن عتبہ ابن ربیعہ نے اس طرح مارا تھا کہ ناک منہ سب پہچاننا مشکل ہو گیا۔ بنو تمیم آتے ہیں اور آگے بچا کر، بیچ بچاؤ کر کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر ان کو گھر پہنچاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اب یہ بس چند گھنٹوں کے مہمان ہیں، آخری زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، بات چیت نہیں ہے، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ صدیق اکبر کا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پوری انسانیت میں، پورے بنی آدم میں اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے وہ صدیق اکبر کا ہے۔
चीफ जस्टिस का उनका मकाम था मक्के में, लेकिन ईमान लाने के बाद, ईमान की वजह से, नबी की सोहबत की वजह से ये हालात पेश आए। उत्बा इब्न रबिया ने कहते हुए भी ज़बान लड़खड़ाती है, जूतों से मारा है, यहाँ तक कि नाक और मुंह सब जख्मी हो गया, पहचानना मुश्किल हो गया। चुनाचे घर पहुँचाया बनू तमीम में, जब शाम हो गई, जब पहली जबान से पहला जुमला निकला है तो क्या जुमला निकला, मा फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी का क्या हाल है। अपने बारे में नहीं पूछा किसने मारा, क्या जख्म हुआ है, अल्लाह के नबी का क्या हाल है, मा फ़अला रसूलुल्लाह सल्लम। जब लोगों ने आपकी जबान से ये बात सुनी, बहुत से लोग नाराज़ हो गए, इन्हीं की वजह से तो मुसीबत आई, उन्हीं का नाम लेते, उन्हीं के बारे में पूछते हो। लोग छोड़कर चले गए और वालिदा जिनका नाम उम्मे खैर था उनसे कहा कि कुछ खिला पिला दो, खा सके तो खिला दो, पी सके तो पिला दो। जब लोग चले गए तो वालिदा आई, तन्हाई में कहा बेटा कुछ खा ले कुछ पी ले, तो क्या जवाब दिया, उनसे भी अर्ज किया मा फ़अला रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी का क्या हाल है, पहले बताओ अल्लाह के नबी का क्या हाल है। कह लेगी या बुनैया ला इल्म ली बिसाहिबी का, तुम्हारी जो साथी जिनके बारे में पूछ रहे मुझे कुछ पता नहीं है। कहा कि जाओ, उम्मे जमील हैं, खत्ताब की बेटी, हजरत उमर की बहन है, उनके पास जाओ, उनसे मालूम करो, उनके पास इल्म होगा नबी का। चुनाचे वो गई और जाके पूछा, अबू बकर पूछ रहे हैं कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का क्या हाल है। वो मुसलमान हो गई थी लेकिन इस्लाम का इजहार करना मुनासिब नहीं था, अभी हालात ऐसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि ला अदरी मन अबू बकर ओमन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मुझे कुछ पता नहीं है कि अबू बकर कौन है और जो है अबू मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कौन है। इसको कहते हैं तजाहुल आरिफाना, जानते हुए भी उसने कहा, उन्होंने यूँ कहा कि मुझे पता नहीं है कौन अबू बकर है, कौन अब्दुल्ला, कौन जो है मोहम्मद हैं। हाँ अलबत्ता अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे को देखने के लिए आ सकती हूँ। वो भी अंदर से परेशान थी, मालूम था अबू बकर सदी हुआ है, लेकिन अपना इस्लाम जाहिर करना नहीं चाहती थी। चुनाचे साथ आई और आके देखा तो बुरा हाल था, पड़े हुए जख्मी हैं, खून आलूद हैं, बदन सारा जो है जख्मी है। करीब जाके चिल्ला के कहा, वो फासिक हैं, वो फाजिर हैं जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये हाल, तुम्हारा ये हाल किया हुआ है। और कसम खा के कहा कि मैं कसम खा के कहती हूँ अल्लाह ताला तुमसे उनका इंतकाम ले, तुम्हारा उनसे इंतकाम लेगा, अल्लाह बदला लेंगे। फिर उनसे भी पूछा कि माँ फ़अला रसूल, तीन मरतबा पूछ रहे हैं, उन लोगों से पूछा, वालिदा से पूछा, उम्मे जमील से पूछ रहे हैं माँ फ़अला रसूल सल्लम, अल्लाह के नबी का क्या हाल है। उन्होंने कहा हादी उम्मू का तस्मा, ये तुम्हारी माँ है, सुन रही है, अगर मैं बताऊँगा तो ये सुन लेगी। उन्होंने कहा कि कोई हरज की बात नहीं, सुन ले कुछ नहीं करेगी, वो बताओ नबी का क्या हाल है। तो उन्होंने बताया कि हुआ सालिमुन सालिहुन, सही सालिम है, अल्लाह के नबी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाए, किसी ने कुछ नहीं किया, आप बाकायदे हयात है, सही सालिम है। फिर माँ ने, उम्मे जमील ने, दोनों ने कहा कि कुछ खा पी लो, तो क्या जवाब दिया है, इसको कहते हैं मोहब्बत। कहा कि कसम खाई वलिल्लाह अलैया अल्ला अकुला शेयन वला अशरबा शेयन, कसम है अल्लाह की जब तक मैं अल्लाह के नबी अलैहि सलातो सलाम को अपनी आंखों से देख ना लूं, ना खाऊंगा ना पीऊंगा। खाना भी हराम है, पीना भी हराम है, जब तक अल्लाह के नबी सलाम को अपनी आंखों से देख ना लूं। चुनाचे जब दोनों रात हो गई, लोग सो गए, सन्नाटा छा गया,
तब दोनों ने अपने सहारे से लेकर अल्लाह के नबी के पास गए। उन्होंने पूछा भी था, सिद्दीक अकबर ने, नबी कहाँ हैं? कहवा फी दारी इब्ने अरकम के घर में है। अपनी आंखों से देख लिया तब तसल्ली हुई कि आका महफूज हैं। इसको कहते हैं नबी की मोहब्बत, नबी से ताल्लुक। आप कहेंगे मौलाना ये तो बड़े आदमी थे, सिद्दीक अकबर थे, मर्द थे, पहले ईमान लाने वाले थे, इनको ऐसा ही ताल्लुक होना चाहिए। आप हज़ारों वाक़यात ले लीजिए। उसी किताब में ये वाक़या भी है, ओहद के दिन एक औरत अल्लाह के नबी की तलाश में चलती है, उसे बताया जाता है कुतिला अबू की, कुतिला अखू की, कुतिला ज़ौजू की, कि तुम्हारे बाप शहीद हो गए, तुम्हारा भाई शहीद हो गया, तुम्हारे शौहर भी शहीद हो गए। ये सब सुन रही है और फिर कहती है बताओ मा फ़ाल, अल्लाह के नबी का क्या हाल है? लोगों ने बताया कि वो सही सालिम है। कहा ना अरूनी हत्ता अंजुर इलैही, दिखाओ नबी को मुझे कि अपनी आंखों से देख लो नबी किस हाल में। शौहर की शहादत की खबर मिल रही है, बाप की शहादत की खबर मिल रही, भाई ये तीनों तो सहारे होते एक औरत के, बाप होता है, शौहर होता है, भाई होता है, लेकिन तीनों की शहादत की खबर मिली, लेकिन क्या कह रही है कि पहले नबी को बताओ, अरूनी हत्ता अंजुर इलैही, दिखाओ नबी को नबी की साल में, ताकि मैं पहले नबी के अपनी आंखों से देखूं। ओहद का वाकिया है, इसलिए कि आप जानते हैं मैदान ओहद में अल्लाह के नबी भी ज़ख्मी हुए थे, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए थे, अल्लाह के नबी सलाम एक गढ़े में गिर गए, सर में खोद की कड़ियाँ घुस गईं और लोगों ने मशहूर कर दिया रियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी भी शहीद हो गए। वो औरत को चैन नहीं आ रहा जब तक नबी को ना देख लें। चुनाचे वह आई, उसने अपनी आंखों से देखा, उसने एक तारीखी जुमला कहा है जो किताबों में लिखा है, कुल्लु मुसीबतिन बादका जललु या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जललु, अल्लाह के नबी आप बाहयात हैं, हर मुसीबत हेज है, कोई मुसीबत मुसीबत नहीं है। शौहर शहीद हो जाए हो जाए, बाप शहीद हो जाए हो जाए, भाई शहीद हो जाए हो जाए, लेकिन आपकी आप बकायदे हयात हैं और आपको देखकर मेरी आंखें ठंडी हो गई हैं, अब मुझे कोई गम नहीं है, आप मौजूद हैं। ये मोहब्बत का ताल्लुक होता है, जिससे मोहब्बत होती है आदमी हर आदमी जो है उसके लिए हर चीज़ कुर्बान करता है, हर चीज़ पर उसे तरजीह देता है। वाकियात बेशुमार हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा गज़वे से वापस हो रहे थे, अब्दुल्लाह इब्ने उबै इब्ने सलूल जो मुनाफिकों का सरदार था, लंबा किस्सा है, मुख्तसर बात यह है, उसने जो है यूँ कह दिया कि मदीने में जो लोग जलील हैं उनको हम इज़्ज़त वाले निकाल देंगे। अलायाज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी को सहाबा को उसने जलील कहा, अंदर से था मुनाफिक लेकिन इस्लाम जाहिर करता था और नबी के साथ अपने साथियों को लेकर चलता था अपने ज़ाती दुनियावी मफादात के लिए। चुनाचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसके बेटे जिनका नाम उनका भी नाम अब्दुल्ला था, बुला के कहा अब्दुल्ला सुना तुम्हारे बाप अब्दुल्ला इब्ने उबै इब्ने सलूल ने क्या कहा? तो अब्दुल्ला जो मोमिन और पक्के मोमिन और मुसलमान थे उस मुनाफिक के बेटे, उन्होंने कहा या रसूल मा काल अभी अभी वो उम्मी, कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या कहा मेरे बाप ने आपकी शान में? तो आपने ये आयत पढ़ के सुनाई, लर रजाना इलल मदीनति लयुखरिजन अल अअज़ मिनहा अल अज़ल। वो ये कहता है कि हम जब मदीने जाएंगे तो इज्जत वाले जलील लोगों को निकाल बाहर करेंगे। अल्लाह के नबी और सहाबा को उसने जलील, अपने को अजीज कहा। हम होते तो कहते अल्लाह के नबी छोड़ दीजिए, ऐसे कह दिया होगा ना समझी में, क्या कहा है, क्या जुमला कहा है, बाप है, इधर नबी हैं।
कहे अल्लाह के नबी, अगर उसने वाकई बात कही है, अगर आप और अल्लाह राजी हैं तो मुझे इजाज़त दीजिए कि अपने बाप का सर आपके कदमों में लगे डालूंगा। आपकी इजाज़त चाहिए, अगर आप राजी हैं, अल्लाह राजी है, तो मैं अपने बाप का सर आपके कदमों में लाके डालूंगा, अगर उसने ये बात कही है। यकीनन कही, आप गैर आप फरमा रहे तो कही है। और मदीने वाले सब जानते हैं मैं अपने बाप का बड़ा मुती व फरमाबरदार हूँ, मेरे बाप की बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन जब आपकी शान में उसने गुस्ताखाना कलमा कहा है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, अपने बाप का सर अपने कदमों में लाके डालूंगा। आपने फरमाया ना, ऐसा ना करो, इसकी इजाज़त नहीं है। तो इस पर खामोश नहीं हो गए हो, बल्कि बाप से पहले मदीने चले गए, अपने घर के दरवाजे पे खड़े हो गए और नंगी तलवार उठा ली और बाप से कहा, अब पता चलता है कौन इज्जत वाला है, कौन जिल्लत वाला है, कौन अजीज है, कौन जलील है, अब पता चलेगा। घर में दाखिल होने नहीं दूंगा जब तक अल्लाह के नबी की इजाज़त नहीं होगी। नबी इजाज़त देंगे तो घर में दाखिला, वरना इस घर में दाखिल नहीं हो सकोगे। बाप परेशान हो गया, मेरा बेटा इतना मुती फरमानबरदार, आज क्या हाल हो गया? उसने कहा, या लल खजरज, ओ खजरज वालो, इन इब्नी यमनउनी मिन बैती, मेरा बेटा मुझे अपने घर में दाखिल होने से रोक रहा है, ज़रा इसको समझाओ। लोग जमा हो गए, लोगों ने समझाया, बाप के साथ यह क्या सलूक हो, ये क्या सलूक हो रहा है? तो क्या जवाब दिया है कि इसने मेरे नबी के शान में गुस्ताखी की है। जब तक ये एतराफ़ ना करे कि मैं जलील अल्लाह के नबी इज्जत वाले हैं, और अल्लाह के नबी जब तक इजाज़त नहीं के घर में दाखिल होने की, जब तक दाखिल होने की इजाज़त नहीं दूंगा। यह है ताल्लुक अल्लाह के रसूल से, मोहब्बत का ताल्लुक। चुनाचे लोग अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जाके कहा कि अब्दुल्ला अपने बाप के साथ यूं कर रहे हैं। तो आपने फरमाया, कहो उनसे कि बाप को घर में आने दो, बाप को परेशान ना करें, बाप को घर में आने दो। जब इत्तला दी लोगों ने कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि बाप को आने दो, घर में दाखिल होने दो, तब कहा कि अगर नबी ने कह दिया तो आ जाओ, नबी ने इजाज़त दी है तो अब इजाज़त हम भी देते हैं। इसको कहते हैं मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी से मोहब्बत ताल्लुक की बात है। हम किसी की परवाह नहीं करेंगे अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है। एक वाकया और सुन लीजिए, अबू सुफियान को कौन नहीं जानता, इस्लाम से पहले क्या हाल था उनका। सुलह हुदैबिया के बाद अभी मुसलमान नहीं हुए, अल्लाह के नबी से बात करने के लिए किसी मामले में मक्के से मदीने आते हैं। उनकी बेटी है उम्मे हबीबा, जो अजवाज मुतहरात में से हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज में से उम्महातुल मोमिनीन। बाप काफिर और मुशरिक है और बेटी जो है उम्महातुल मोमिनीन में है। चुनाचे हजरत उम्मे हबीबा के पास आए, अल्लाह के नबी का बिस्तरा बिछा हुआ था, उस पर बैठने लगे। उम्मे हबीबा ने फौरन बिस्तरा लपेट दिया, बैठने नहीं दिया। अबू सुफियान जो बाप थे, बेटी से पूछते हैं, बेटी क्या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ, या बिस्तरा मेरे लायक नहीं है? अजीब सवाल है, क्या मैं बिस्तरे के लायक नहीं हूँ, या बिस्तरा मेरे लायक नहीं है? बेटी का जवाब था, कहने लगी, हादा फिराश रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका रजुलुन मुशरिकुन नजीसुन, ये मेरे नबी पाक का पाक बिस्तरा है और तुम मुशरिक हो, नजीस हो, लिहाजा तुम इस पर बैठने के लायक नहीं हो। बाप एक तरफ, बेटा एक तरफ, किसी की परवाह नहीं है। सबसे ज़्यादा मोहब्बत ईमान वाले को अपने नबी से होती है। इसको कहते हैं ताल्लुक बिर रसूल, ताल्लुक मअल्लाह, ताल्लुक बिर रसूलिल्लाह।
अल्लाह माफ़ फरमाए, आज मोहब्बत का दम तो सब भरते हैं लेकिन इताहत के बारे में बहुत पीछे हैं। सहाबा ने ऐसी इताहत की, तीन सहाबा हैं आप जानते हैं, मशहूर वाकिया है, काब इब्ने मालिक, हिलाल इब्ने उमैया, मुरार इब्ने रबीअ, ये तीन सहाबा हैं जो गज़वे तबुक में जा नहीं सके, मुखलिस सहाबा थे, कोई ख़ास उज़्र नहीं था, ये जा नहीं सके। अल्लाह के नबी वापस आए तो मुनाफिकीन आके उज़्र किया, अल्लाह के नबी उनका उज़्र कबूल कर लिया। इन तीन सहाबा ने आके सच्ची सच्ची बात कही, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे पास कोई उज़्र नहीं था, बस सुस्ती थी, आजकल जाएंगे लेकिन जा नहीं सके। तो अल्लाह के नबीसलाम ने इनके बारे में फरमाया कि तुम्हारा फ़ैसला खुदा करेंगे, अल्लाह के नबी की तरफ से माफ़ी आएगी तो फिर माफ़ी हम भी माफ़ करेंगे। लंबा किस्सा है, अल्लाह के नबीसलाम ने उनके लिए सदा के तौर पर मदीने में ऐलान कर दिया, इन तीनों से कोई बात ना करे, जैसे हमारे कहते हैं बाइकॉट करना, कोई बात ना करे। हज़रत उबै इब्ने काब कहते हैं कि मदीना मेरे लिए ऐसे हो गया जैसे कब्रस्तान है, जैसे कब्रस्तान में कोई बात करने वाला न, जवाब देने वाला न, सलाम करने वाला, इसे कहते हैं शहर खमोशा, बिल्कुल सब कोई न सलाम करता न सलाम का जवाब देता है। इस तरह महीना गुजर गया, यहाँ तक कि एक दिन मैंने परेशान होकर अपने चचदाद भाई जिनका अबू कतादा था, उनका बाग था खजूर का, दीवार फांद कर अंदर गया और जाके मैंने उनको सलाम किया कि मेरे भाई हैं और वो मुझे उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, आज उनसे जाके मुलाकात कर लें, सलाम कलाम हो जाएगा। लेकिन सलाम किया तो उन्होंने एराज करके जवाब नहीं दिया। मैंने कसम दिलाई, कसम खा के कहा, अल्लाह की कसम तुम जानते हो मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, कोई जवाब नहीं। दोबारा मैंने कहा, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, तुमको पता है, अल्लाह की कसम, फिर कोई जवाब नहीं। जब तीसरी मर्तबा कहा तो उन्होंने बजाय जवाब देने के यूँ कहा, अल्लाह व रसूल हो आलम, कि तुम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हो नहीं करते हो अल्लाह जानते हैं, हम बात नहीं की। कहते हैं फफाजत आईनाया, मेरी आंखें बह पड़ी, मेरा इतना सगा चजाद भाई है अबू कतादा, कभी हमारे दरमियान में कोई चीज़ नहीं हुई, लेकिन आज अल्लाह के नबी ने मना कर दिया तो भाई भी बात करने को तैयार नहीं है। इतनी इताअत। गस्सान का बादशाह भेजता है अपना आदमी, शाम का निपती उसे खत देकर जो मदीने में गल्ला लाके फरोख क्या करता था, वह ऐलान कर रहा है, है कोई काब इब्ने मालिक का पता देने वाला? लोगों ने बताया ये है ये है। वो आके मुझे खत देता है, वो खत में लिखा हुआ है, हमने सुना है कि तुम्हारे साहिब ने, तुम्हारे नबी ने तुम्हारे साथ जफा की है, जुल्म किया है, तुम जफा और जुल्म के मुस्तहिक नहीं हो, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे इकराम एजाज करेंगे। कहते हैं खत मिलकर मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये भी एक इम्तिहान है। ऐसा मौका होता है तो आदमी जल्दी से दूसरे के गोद में चला जाता है, लेकिन नबी से ताल्लुक की बात है। कह लेंगे मैंने आंखों में आंसू बहाकर, आंसू लाकर वो खत ले जाके तंदूर में डाल दिया, ये भी मेरा इम्तिहान है कि दुश्मन मेरे ऊपर जो है हाथ डाला, मेरा मुझे अपने पास लेकर मेरा ईमान ख़त्म करना चाहता है। तो आज मेरा दोस्तों और भाइयों, आजकल जो हमारे हालात चल रहे हैं मुल्क के भी आलम के भी, नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, ठीक है, ईमान वाले को उसे गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा ना आए तो उसके ईमान का ख़तरा है। तकसीम से पहले की एक बात है, किसी बदबख्त शिया ने हज़रत आयशा उनके शान में गुस्ताखी की, और क्या की, लंबी लंबी तफसील है। एक नौजवान मुसलमान से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उसे जहन्नम रसीद कर दिया, ख़त्म कर दिया, केस चला। इसका जो लायर था उसने ये कहा कि तुम जब जज के सामने आओ बस इतना कह देना कि उस वक्त मैं पागल था, पागलपने में मेरा अक्ल होश नहीं थे, पागल हो गया था मैं,
मुझे पता नहीं कि मैंने क्या किया, इतना तुम कह देना, बाकी मुकदमा हम देख लेंगे। लेकिन वो सलमान का क्या जवाब था? उसने कहा कि मैं कैसे कह सकता हूँ पागल था, उसी वक्त तो सबसे ज़्यादा मैं होश में था, मैंने जानबूझकर होश और खिरद में मैंने काम किया है कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा, अफीफा बिनते अफीफ, सिद्दीका बिनते सिद्दीक, उस पर तोहमत लगाने वाले को मैं कैसे बख्श सकता हूँ। मैं उस वक्त दीवाना नहीं था, फरजाना था, फरजानगी में मैंने अमल किया है, मुझे सूली हो जाए कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन अम्मा जान की शान में गुस्ताखी करने वाले को मैं छोड़ नहीं सकता था। यह है मुसलमान के जज्बात। तो मेरे दोस्तों, पैगाम यह है, आपने मैंने जो हदीस आपके सामने पढ़ी, मन अहया सुन्नती फ़कत अहब्बनी व मन अहब्बनी का नमी फिल जन्ना, फरमाते हैं कि जो मुझसे मोहब्बत करे उसे मेरी इताअत ज़रूरी है, जो मेरी इताअत करेगा वही मोहब्बत करने वाला होगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। कौन मुसलमान है जो नहीं चाहता नबी का साथ जन्नत में हो जाए? उसके लिए नबी से मोहब्बत ज़रूरी है, और नबी से मोहब्बत की दलील ये है कि नबी की इताअत की जाए। सीरत में, सूरत में, सरीरा में, तीन चीज़ें हैं। सूरत के माने सिर्फ चेहरा नहीं है, आँखों से जो नज़र आता है उस सब में नबी की पैरवी करो, इत्तबा करो। चेहरा, बुशरा, लिबास, वज़ाकता, गमी, खुशी, सफ़र, हज़र, खाना पीना, सोना जागना, हर चीज़ में नबी को देखो क्या किया है। और सीरत के नाम माने नबी के अखलाक हैं, आपका सब्र है, आपका शुक्र है, और आपका तवक्कुल है, आपका यकीन है, आपका दुश्मना ने दीन को और अपने दुश्मनों को माफ़ करना है। ये जो अखलाक है नबी के वो अपनाओ। और सरीरा के माने हैं नबी के सीने का गम है, अल्लाह के नबी के सीने में गम क्या था, फिक्र क्या था, दर्द क्या था, किसके लिए आप रातों को रोते थे, पैरों में वर्म आता था, एक एक आदमी के दर पर जाकर समझाते थे, एक एक आदमी की फिक्र होती थी कि कोई आदमी जहन्नम में ना जाए और सब जन्नत में जाए, इसका एक फिक्र था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को। तो सूरत में, सीरत में, सरीरा, अंदर का जो हाल नबी का था, गम था, उसमें इताअत करें तो ये नबी से मोहब्बत की दलील है, और जो वाकई सरा नबी से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। और सारे मुसलमान सही मानों में अगर नबी की इत्तबा पर आ जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने की, अगर करेगा तो जहन्नम रसीद हो जाएगा, अल्लाह ताला खुद ही उसका इंतकाम ले लेंगे। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को अपने नबी की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और सच्ची इताअत की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब का हश्र अल्लाह ताला नबी के साथ जन्नत में अल्लाह ताला हश्र अता फरमाए और नबी की सिफारिश नसीब फरमाए। व आखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।